हाय स्टूडेंट आज हम लोग देख रहे हैं एस को कैसे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है माई एस वेब पेज पे आप गूगल का कोई भी पेज क्रोम ओपन कर सकते हैं वहां पर लिखेंगे माई एस जैसे ही एंट्री करेंगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है माई एस देन उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको जाना है डाउनलोड्स में डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको सबसे नीचे है माई एसकोल कम्युनिटी जी पी एल डाउनलोड जैसे उसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऊपर से फोर्थ ऑप्शन है माईस्कुल कम्युनिटी सर्वर जैसे उसको क्लिक करेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ऐसे बहुत सारे आपके पास डाउनलोडिंग ऑप्शन आ रहे हैं आप पहले क्या करेंगे अपना सिस्टम का जो आपका ओएस है उसको चेंज करेंगे मेरे पास मैक ओएस है इसलिए मैंने मैक ओएस को कंसीडर कर रखा है देन आप लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए आपके पास वो शो करेगा कि आपके पास कौन कौन सा वर्जन है इसमें 8.0.21 दे रखा है आपको देखना है आपके पास ये वर्जन है या नहीं है इन केस अगर आपके विंडोज़ का एट विंडो एट विंडो टेन है तो ही आप ये वाला इंस्टॉल करेंगे अगर आपके पास नहीं है ये हायर विंडो कॉन्फ़िगरेशन तो आप अचीवर्स में क्लिक करेंगे अचीवर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके पास आपके पास प्रोडक्ट वर्जन आपका दिखाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा आप प्रोडक्ट वर्जन को चेंज करेंगे फाइव पॉइंट पे क्लिक करेंगे इस पर इसे लोएस्ट भी ले सकते हैं लेकिन इसे हाईएस्ट नहीं जाएंगे प्लीज क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं कर पाएगा और मेरे पास मैक ओएस है तो मैंने मैक का ले रखा है आप लोग अपने लिए चेंज करेंगे विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट ठीक है जैसे ये क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में बिल्कुल मैं अभी इसको करंटली इंस्टॉल कर रही हूँ तो माई एसकी फाइव पॉइंट फाइल इसकी इंस्टॉल हो रही है डीएम फाइल इंस्टॉल होगी ठीक है जैसे ये इंस्टॉल होती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये इंस्टॉल कहाँ हो रही है डाउनलोड्स डाउनलोड Download में आप देख सकते हैं मेरी यहाँ फाइल डीएमजी फाइल इंस्टॉल हो रही है जैसे ये इंस्टॉल होगी हम आपको दिखाएंगे कि ये कहाँ पर शो करेगी जाके बहुत कम टाइम लेती है ज़्यादा टाइम नहीं देगी सो so, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी फाइल धीरे धीरे इंस्टॉल हो रही है अगर आपकी नेट की स्पीड है तो ऑटोमेटिकली आराम से जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी जैसे ये इंस्टॉल होगी आपके डाउनलोड्स uh, के ऑप्शन में जाना होगा आपको और जहाँ पर आपकी सी ड्राइव है आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगी नहीं होती है तो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी इसके लिए इसके अंदर एक आईडी पासवर्ड होगा आईडी में यूज़र आईडी जो होगी वो हमेशा कंसीडर एज अ रूट डिफॉल्ट लेता है और नहीं तो फर्स्ट टाइम में वो अपना पासवर्ड जो प्री डिफाइंड आपके पास पासवर्ड आता है मतलब कंप्यूटर जनरेटेड एक पासवर्ड आता है अगर वो पासवर्ड आता है दैट इज़ ओके आपको वो कॉपी पेस्ट करना होगा अदरवाइज अगर नहीं आता है तो तो आपको अपना पासवर्ड देना होगा पासवर्ड के लिए पा, इसके लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है कि एक कैपिटल लाइटर होना चाहिए और आपका जो आपका सरनेम नहीं होना चाहिए आपका नाम नहीं होना चाहिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं पासवर्ड के लिए आप वो लोग ले सकते हैं इन एक दो नुमारिक डिजिट्स होने चाहिए यहाँ देखिए हमारी डीएमजे फाइल इंस्टॉल हो गई है हम इसको डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करते ही ये दिखाएगा ओपनिंग एंड फाइल हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डीएमजी फाइल इंस्टॉल कर रहा है ओके okay, ये आ गया है माई एसक्यूएल फाइव पॉइंट नाइन मैकटॉस टेन पॉइंट वन टू वर्जन मेरे पास आ गया पैकेज मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा ही शो करेगा बट बर... मेरे पास मैक ओएस है तो आपके पास सिस्टम ऐसा नहीं होगा तो प्लीज़ बी बी केयरफुल फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आपका सिस्टम होगा ये आपके पास उसने लाइसेंस दे रखा है कि आप इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं आप इसको टाइम लगा के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और इसको देन कंटिन्यू करें वो कह रहा है कि आप एग्री करते हैं इसके लाइसेंस के लिए देन इट्स ओके हाँ जी हम एग्री कर रहे हैं और ये चेंज इंस्टॉलेशन लोकेशन पूछता है यानी कि अगर आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो आप इसकी लोकेशन क्या करना चाहते हैं अदरवाइज जो इसके डिफॉल्ट में लोकेशन है आप प्लीज उसे ही रहने दें और इसको आगे इंस्टॉल करें प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन आपके पास अपने विंडोज का वो पासवर्ड मांगेगा कि आपके यूजर आई डी का पासवर्ड क्या है आपके सिस्टम का जब हम लॉग इन करते हैं यूजर का वो पासवर्ड मांगेगा मेरे पास ओवर्स का है तो मैं मैकोवर्स का इसका पासवर्ड दे देती हूँ उसके बाद ये वेरिफिकेशन करता है इंस्टॉलेशन लिखा आता है इंस्टॉलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लेगा बस स्पीड मैटर करती है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कैसे आ रही है लेस देन अबाउट अ मिनट लेस देन अ पैकेज सारी फाइल्स को लेके आता है जब भी अगर कभी हमें रिट्रीव करनी होगी तो ये फाइल्स में से इन्हीं फाइल्स में से हमारी कमांड्स को रन करेगा और रिट्रीव कराएगा थोड़ा धीरे हो रहा है ओके okay. आपके पास ये दिखा रहा इसने है वन लोकल रूट, दे दे लोकल इसने पासवर्ड दिया है सो so, प्लीज आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे सारा का सारा क्यों क्योंकि हमें बाद में भी कभी ये चीज चाहिए हो सकती है तो हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और अपने पास कहीं इसको सेव करेंगे जैसे आप इसको सेव करते हैं आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसको सेव करें कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड प्लीज जितना हो सकता है आप इसे नॉर्मल ही रखें कि आपके पास अपनी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन ही रहे देन मैंने इसको यहाँ कर दिया है पेस्ट ये इम्पॉर्टेंट है और इस फाइल को आप सेव भी कर कर दीजिए साथ के साथ क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फाइल और आपका ये पासवर्ड जाके जाएगा देन मैं इस पे लिखती हूँ एल पासवर्ड सेव का करना है आई क्लाउड पे नहीं मैं डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ अभी के लिए मैंने अपनी फाइल को और अपने आईडी पासवर्ड को यहाँ पर सेव कर दिया है जैसे सेव करेंगे देन इसको रखती हूँ एक साइड में और मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ ये हो गया है मेरा सेव हो गया है देन इसको मैं करती ओके अभी रुक जाते हैं थोड़ा रुकते हैं ओके हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एसक्यूएल इंस्टॉल तो हो गया लेकिन वो वर्किंग में है या नहीं है तो आप अपने प्रोग्रामिंग uh, फाइल में जाके देख सकते हैं सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में देख सकते हैं कि आपका SQL चल रहा है नहीं चल रहा मैं आप लोगों को दिखाती कि SQL चल रहा है या नहीं चल रहा उसके लिए मैं जाऊंगी अपने सिस्टम प्रेफरेंस में सिस्टम प्रेफरेंस में वो दिखाएगा की एसक्यूएल वर्किंग है या नहीं है यहाँ देखिए आप लोगों को माई एस क्यूएल का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये देखिए माई एस क्यूएल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है माई एसक्यूएल रनिंग अगर मैं इसके ऊपर स्टॉप माई एस कर देती हूँ तो यानी कि मेरा माई एस जितनी भी चल रहा है सर्वर से कनेक्ट है वो उसको स्टॉप कर देगा आपके इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे पढ़ सकते हैं माई डेटाबेस सर्वर इज स्टार्टेड एंड रीड फॉर द क्लाइंट कनेक्शन एंड रेडी फॉर द क्लाइंट कनेक्शन टू शट डाउन यूज द स्टॉप माई एस बटन अगर मुझे स्टॉप करना है तो मैं स्टॉप कर सकती हूँ इस बटन को क्लिक करके ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा रहने क्या है यानी कि मेरा इंस्टॉल हो चुका है अब मुझे इसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन में जो मुझे यूजर आई पासवर्ड डालना है वो मैं इंस्टॉल उसमें डालूंगी उससे पहले हमें क्या करना है इसको मैं कर देती हूँ क्लोज मतलब ये दिख गया कि मेरा इंस्टॉल हो चुका है एसक्यूएल बट उस पर भी हम कोई कोडिंग नहीं कर सकते कमांड नहीं कर सकते उसके लिए हमें दोबारा जो माई एसक्यूएल का पेज है हम वहां जाएंगे डाउनलोड्स में डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा माई एसिटी जी पी एल उसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद पे एसक्यूएल वर्क बेंच है उसको इंस्टॉल इंस्टॉल करें इंस्टार्थ करने के लिए मैं फिर से आपको लोगों को भी याद दिला रही हूँ मेरे पास मैक ओएस है आपके पास नहीं है सो so, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा आपका विंडोज आ जाएगा विंडोज में आपके वर्जन चेक करना पड़ेगा मुझे इंस्टॉल करना है इसलिए मैं मैक ओएस ही लेती हूँ मैकोस लिया और मुझे इसका वर्जन चेंज करना है क्योंकि मेरे पास इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिस्टम में कम्पार्टेबिलटेबल नहीं है अगर मैं मैंने आप लोगों को बोला है कि विंडोज 10 है तो ही कंपैटिबल होगा नहीं है तो नहीं चलेगा ऑल मेरे पास माई uh, एसक्यूएल my का हाई शेरा है शेरी है मेरे पास लेकिन मैं इसको नहीं इंस्टॉल करूंगी क्योंकि इसकी कॉन्फिग्रेशन रियली really बहुत हाई होंगी तो मैं इसको अचीवर्स में जाती हूँ अचीवर्स में मैं चेक करती हूँ उसका वर्जन मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा मैं देख सकती हूँ कि मेरा वर्जन 6.3.9 बेस्ट रहता है या 6.6.6 3.6 इन दोनों में से मतलब आप 6.3.9 से नीचे नीचे कहीं कोई भी वर्जन ले सकते हैं तो मैं 6.3.9 लेती हूँ और मेरे पास है इंस्टॉल का आपको डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैं इस पे करती हूँ डाउनलोड पे क्लिक क्लिक करने के बाद मेरी फाइल डीएम फाइल दोबारा डाउनलोड हो रही है वर्क धीरे धीरे वो डाउनलोड हो रही है जैसे आप देख सकते हैं वो कम्प्लीट हो गई है जैसे ही कम्प्लीट हो जाती है देन मैं उसके ऊपर करूंगी डबल क्लिक डबल क्लिक करते अगेन वो मुझे क्या शो करेगा कि आपका वर्क बेंच क्या हो रहा है इंस्टॉल हो रहा है आप अपने इस पासवर्ड को प्लीज़ भूलिएगा नहीं ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पासवर्ड जितना भी हो सकता है इस पासवर्ड को याद रखिएगा नहीं तो इसे कहीं पे सेव करिए मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जब हम अपना नया पासवर्ड बनाएंगे तो प्रीवियस पासवर्ड वो जरूर पूछेगा अब वो क्या दिखा रहा है कि मेरा इंस्टॉल हो चुका है माई एस क्यूएल वर्क बेंच वो क्या कह रहा है उसको अपनी एप्लीकेशन में डालिए यानी कि मेरे सी ड्राइव में जाइए प्रोग्राम फाइल्स में मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको इसमें इंस्टॉल कर देती हूँ डाल देती हूँ जैसे ही हो जाता है वो वर्किंग दिखा रहा है कि एप्लीकेशन में इसको ये इंस्टॉल कर रहा है मतलब इसकी कॉपी कर रहा है जितने भी डेटा होंगे पैकेजेस होंगे सर्वर को वो इसके ऊपर लेके आएगा इंस्टॉल करेगा ओके okay, डन वो डन हो चुका है अब मुझे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो मैं आपको बताती हूँ स्कूल का पासवर्ड कैसे चेंज करना है उसके लिए हम लोग नई वीडियो में देखेंगे आप इसे टेम्पररी जो आपका पासवर्ड है उसे सेव रखिएगा और इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है और जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको टर्मिनल यानी कि आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है कमांड प्रॉम्प्ट आपकी कहाँ से आएगी आप स्टार्ट विंडोज के स्टार्ट बटन में जाएंगे उस पर सीएमडी पी एम डी कमांड लिखेंगे जैसे ही आपके पास क्लिक करेंगे उसके पास आपके पास ब्लैक कलर की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी उसमें आपको एक कमांड लिखनी है माई एस क्यू एल माइनस यू Root p. ये होने के बाद वो आपको पेस्ट करना है। या आपको उस टाइम दिखाई नहीं देगा और देन आपको एंटर करना है जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो उसके आपके पास लिखा होगा माई एसक्यूएल दस आपके पास ये आउटपुट आएगा दैट्स मीन आपके पास आपका एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है प्रोग्राम इसमें इतना ही होगा प्रॉपर कोडिंग के लिए आपको अपना विंडोज ओपन करके काम खुद करना होगा ठीक है और ये पासवर्ड चेंज के लिए ही है ये वाली कमांड आपके पासवर्ड चेंज के लिए ही है ओके बाकी जब होगी इसकी कोडिंग हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे